हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इकबॉल सर्ज एकेडमी आई होप यू आर फाइन आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉप थाउजेंड प्लस एमसीक्यूज कंप्यूटर के जिसका ये पार्ट नंबर सेवन रहने वाला है कंप्यूटर एब्रीवेशन जो भी कंप्यूटर की एब्रिवेशन है वो आपको यहाँ पे सारे में कवर अप कराऊंगा जिसमें ए एल यू सी पी यू सी ओ रैम जी बी एच ड आर एम ओ सी आर मुख्तलिफ जो है ओ एम आर एल सी एल ए पी जो भी कंप्यूटर के एब्रीवेशन वो हम यहाँ पर सारे कवरअप करेंगे उस पर हम एम सी क्यूज़ करेंगे मैं हूँ उस्मान सर मैं आपको यहाँ पर कवर करूँगा टॉप थाउजेंड प्लस एम सी क्यूज कंप्यूटर के तो इसका जो सेवन थर्ड ये रहने वाला है जो भी इन एग्जाम्स के लिए तैयारी करें वी एल डब्ल्यू फाइनानस अकाउंट असिस्टेंट पटवारी नाइब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं जेके एस एस बी के या एस एस सी के उन एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी करे तो आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ठीक है वीडियो को एंड तक देखना चैनल पर पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस लेक्चर की जो पी है एम की पी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप पर भी दोनों की लिंक्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वहाँ से आप उन लिंक्स पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इस पी को भी डाउनलोड कर सकते हैं सो बिना देर के करते हैं आज हम वीडियो स्टार्ट तो वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और वीडियो को एंड तक देखना गाइस ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का जो है सेशन ठीक है एमसीक्यू सेशन पहले जूम करते हैं ताकि आपको सारे एम सी क्यूज यहाँ पे दिख सके ठीक है चलिए तो यहाँ पर जो भी एब्रीवेशनस है उनको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है ई डी वी ए सी की फुल फॉर्म हमें बतानी है यहाँ पर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेवलप्ड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सो ई डी वी ए सी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेवलपर्ड वैलीब ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी इज द करेक्ट वन ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर टू डी रैम स्टैंडस फॉर डिसिमिलर रैंडम एक्सेस मेमोरी डायरेक्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबो डी रैम स्टैंडस फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन ठीक है चलिए डी डी आर एस डी रैम स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर ए डबल डाटा रेट सिंक्रीनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनेमिक डाटा रेट सिंक्रीनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डेसिमल डबल रेट सिक्रीनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी नन ऑफ द एबू डी डी एच डी एच डी आर एम स्टैंड फॉर डाटा डबल डाटा रेड रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट ऑन चलिए चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर ई ई पी आर ओ एम स्टैंड फॉर इफेक्टिव इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी एंटिटी इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी या नन ऑफ द अबो तो इसका जो राइट right आंसर है वो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव डी एम ए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिस्टेंट मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन डी एम ए स्टैंडस फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट चलिए एम ओ एस स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर मोस्ट ऑफन स्टोर मैथड ऑर्गेनाइजड स्टैक नन ऑफ द एबो एम ओ एस स्टैंडस फॉर मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन चलिए ठीक है यहां तक आपको अच्छे से समझ आए होगा क्वेश्चन नंबर सेवन वट इज द मीनिंग ऑफ डी बी एम एस डाटा बेस बेसड मैनेजमेंट सिस्टमज डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स या डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम या नन ऑफ द एवो सो डी बी एम एस फॉर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन चलिए इसको जूम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर एट वट डज डी बी ए स्टैंड फॉर डाटा बेस एसोसिएट डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर डाटा बेस एक्टर नन ऑफ द एबो डी बी एस स्टैंड फॉर डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन चलिए ठीक है वैन डब्ल्यू एन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क वायरलेस एरिया नेटवर्क वर्ल्ड एरिया नेटवर्क नन ऑफ द अबो वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन चलिए ठीक है यहां तक आपको समझ आएगा द फॉर्म ऑफ टी सी पी आई बी इज ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल बोथ ए एंड बी नन ऑफ द वो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है टी सी पी आई पी ठीक है चलिए व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ जे पी ई जी ये एक इमेज की जो है फॉर्मेट होता है तो यहाँ पे ऑप्शन है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ज्वाइंट फिलॉस फिलोसफिकल एक्सपर्ट्स ग्रुप जॉइंट फिलोसफिकल एक्सपर्ट्स ग्रुप या जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप सो जे पी ई जी Stands for Joint Photographic Export Group. Option number A is the correct one. Okay, cherry. Question number 12 What is the full form acronym of MPEG? Motion Picture Exports Group, Multimedia Picture Exports Group, Moving a Picture Exports Group. Option number D Motion Picture Experience Group. So MPEG. स्टैंड फॉर इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन ठीक है चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी ए टी यहां पे आपने डी ए टी की फुल फॉर्म बतानी है तो यहां ऑप्शंस दिए दिएगा तो इसका जो राइट right आंसर है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल ऑटो ऑडियो टेप सी इज द करेक्ट वन चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ एल ए पी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑफलाइन एलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग ऑर्डर एनालिटिकल प्रोसेसिंग या ऑन शोर एनालिटिकल प्रोसेसिंग सो ओ एल एटैंड वॉर ऑनलाइन अलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ठीक है आई होप आपको सारे एम सी क्यूज अच्छे से समझ आए होंगे क्योंकि ये जो फुल फॉर्म्स है ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं एक से दो आपको इसमें से क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? तीन भी आ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जो है दो की यहाँ पे उम्मीद जो है रख सकते हैं हम ठीक है व्हाट डज ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्रिय रिसोर्स प्लानिंग एंटरप्राइज रिफॉर्म प्लानिंग एंटरप्राइज रिकॉर्ड प्लानिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सो ई आर पी स्टैंडस फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं ठीक है एक्सपेंड द एक्नॉमी ऑफ एस एल सी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल अप्रोच सॉफ्टवेयर लीजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम लाइफ साइकिल अप्रोच या सिस्टम लोन कॉस्ट सो एक्स एस एल सी स्टैंड फॉर एस एल सी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल अप्रोच ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन व्हाट डज द एक्रॉमिक आई डी एस स्टैंड फॉर इंट्रोसियन डिटेक्शन सिस्टम इंटरनेट डिटेक्शन स्टैंडर्ड इंटरनेट डिटेक्शन सिस्टम या इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम तो इसका जो राइट आंसर है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है introduction detection system option number is the correct one jelly what does csma represent is carrier sensing many access carrier sensing multiple access carrier sense minimal access carrier sense multiple access so csma stands for कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन ठीक है वायरस जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी वेरीफाई इन द चेंज रिजल्ट सो सोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन ठीक है एफ एम टी स्टैंड फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग फार टास्क मल्टी फिक्स टास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्सड ट्ग नन ऑफ द एबो एम एफ टी स्टैंड फार मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्सड ट्ग सो ऑप्शन नंबर सी इज द करैक्ट वन ठीक है चलिए क्वश्चन नंबर ट्वेंटी वन एम वी टी स्टैंड फार मल्टी वैरियन टास्किंग मल्टीपल वैरियंट टास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग वेरिएबल टास्किंग नन ऑफ द एबो सो एम वी टी स्टैंड फार मल्टी प्रोग्रामिंग वेरिएबल टास्किंग ठीक है चलिए सी इज द करेक्ट वन चलिए ओ एल ई स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बिडिंग ऑब्जेक्ट लिंक एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट लिंक एनहेंसमेंट नन ऑफ द एबो ओ एल ई स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बिडिंग यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ठीक है चलिए आगे चलते आई होप यहां तक आपको सारे एम सी क्यू समझ आएंगे अगर आपको डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ई ओ एफ स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइल एक्सटेंड ऑफ फाइल एलिमिनेट ऑफ फाइल नन ऑफ द एबव सो एंड ऑफ द फाइल ई ओ एफ स्टैंड फॉर एंड ऑफ द फाइल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन वाट इज ओ डी बी सी वट इज ओ डी बी सी ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी ओपन डिक्शनरी कनेक्टिविटी ओपन डाटा बेस कॉस्टिंग ओपन डिस्क डाटा कनेक्टिविटी सो so, ODBC stands for open फॉर ओपन डाटा कनेक्टिविटी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 25। फाइव आर डी फॉर थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको अच्छे से यहां पे पहले इसको थोड़ा सा जूम इन कर दे फिर जूम आउट कर दे ताकि आपको सारे MCQs अच्छे से दिख सके ठीक है RDO stands for remote फॉर रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट रूल डाटा ऑब्जेक्ट रिमोट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नन ऑफ द सो आर टी ओ स्टैंड फॉर रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट ए इज़ द करेक्ट वन चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आर टी एफ स्टैंड फॉर इसकी जो पी डी एफ है वो हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दें और व्हाट्सअप पर भी ताकि आप इसको रिविजन कर सके सारे एब्रिवेशन को ताकि आपको कोई भी एब्रीवेशन यहाँ पर मिस ना हो सके ठीक है रैंडम टेक्स्ट फाइल रिच टैक्सट फाइल रेस्टो टैक्सट फाइल रिमू टैक्स्ट फाइल सो आर टी एफ स्टैंडस फॉर रिच टेक्स्ट फाइल ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन द टर्म एच डी टी पी स्टैंड फॉर ठीक है जब आप ब्रोजर में जो है चाहे क्रोम ब्रोजर हो पेरामनी हो किसी भी ब्रोजर में जाते हैं वहाँ से जब हम किसी भी साइट में जाते हैं तो वहाँ पर एच डी टी पी पहले लिखा होता है फिर वेबसाइट का नाम दिया होता है सो so, उसी का हमें यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम हाइपर टेक्सट ट्रेसिंग प्रोग्राम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्सट ट्रेसिंग प्रोटोकॉल इसकी जो फुल फॉर्म है एच की वो है हाइपर टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबॉल सी ओ बी ओ एल कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज कमांड बाइट ओरिएंटेड लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या कैरेक्टर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज सो कोबॉल की जो फुल फॉर्म है गाइस वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन ठीक है चलिए ई एन आई ए सी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंस्ट्रक्शन एंड कोड इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंस्ट्रक्शन एक्सेस कैलकुलेटर या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज ई एन आई ई एन आई ए सी की जो फुल फॉर्म है गाइस वो है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन ठीक है चलिए पी आर ओ एम इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी व्हाट डज़ पी आर ओ एम स्टैंड फॉर ये कंप्यूटर मेमोरी है तो इसके लिए हमें फुल फॉर्म बतानी है पावर्ड रीड ऑनली मेमोरी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी परमानेंट रीड ऑनली मेमोरी या पावर्ड रीड ऑनली मेमोरी सो पी रोम का जो है फुल फॉर्म है वो है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन ठीक है चलिए आगे चलते हैं आई होप यहाँ तक आपको सारे एम सी समझ आए होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट डिफिनीशन तो यहाँ पे हमें बतानी है कौन सी करेक्ट नहीं है क्योंकि नॉट लिखा हुआ है एस आर एम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पी आर ओ एम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी डी आर एम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या एस एम स्टैटिक एक्सेस मेमोरी यहाँ पे हमें करेक्ट जो नहीं है जिसकी जो है यहाँ पे करेक्ट डेफिनेशन नहीं है वही हमें यहाँ पे चूज़ करना है तो इसका जो है करेक्ट वन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एस एम स्टेटिक एक्सेस मेमोरी ठीक है ये करेक्ट नहीं है ठीक है बाकी वो तीनों करेक्ट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम टी एम ऑटो टेलोरिंग मशीन एनी टाइम मेमोनी मनी ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑल टाइम मनी सो एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन ठीक है जो हमारे ए टी एम लगा होता है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन ठीक है चलिए आगे चलते ऐसे भी जगह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं चलिए सी आर एम की जो फुल फॉर्म है सी आर एम मीनस कस्टोमर रिलेशनश मैनेजमेंट कस्टमर रिटेंशन मैनेजर चैनल रूट मार्केट या चैनल रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर सो सी आर एम स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन ठीक है चलिए आगे चलते हैं डी एस ए मीनज डिस्ट्रिक्ट सेल्स अथॉरिटी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर एंड स्टेट एजेंट या नान ऑफ दीज सो डी एस ए स्टैंडस फॉर दी एज स्टैंड फॉर डायरेक्ट सेल्स अथॉर्टी भी नहीं आएगी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल एजेंट भी नहीं आएगा ना नॉन ना ऑप डी इसमें से कोई भी नहीं ठीक है सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन एच एन आई मीन हाईली नॉन इंटरेस्टेड इंडिजुअल्स हाईली नीडी इंडिजुअल्स हाई नैटवर्स इंडिजुअल या हाई नेगेटिव इंडिजुल सो एच एन आई जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वह है हाई नेटवर्क नेट नेटवर्थ इंडिजुअल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन ठीक है चलिए आगे चलते सी पी यू स्टैंड फॉर ये आपको सबको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन एस एम ई स एस एम ई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है वो है ऑप्शन नंबर ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन चलिए लैंड लोकल एंड नेशनल लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या लाइव एरिया नेटवर्क जो वाईफाई का जो लैन वगैरह होता है उसके आपको फुल फॉर्म आप पता नहीं आप सबको पता होगा क्योंकि आप वाईफाई शेयर बीयर करते हो फ्रेंड्स के साथ तो ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए सो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क जब भी आप वाईफाई में जाओगे या हॉटस्पॉट में जाओगे वहां पर आपको जब आप, आप हॉटस्पॉट में जाओगे वहां पर आपको दिख जाएगा वो ड्रॉक्सी पे लिखा हुआ है लैन एल ए एन लोकल एरिया नेटवर्क फिर उसकी जो है वहां पर वाईफाई Uh, जो है वो दिखता है उसका वाईफाई हॉटस्पॉट में ठीक है एक वाईफाई डिवाइस है ऑन द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज कैरेक्टर हैज़ एन एस एस सी सेकंड वैल्यू स्टैंड फॉर ए सी सेकंड की हमें जो है वैल्यू उसकी जो है वो बताने उसकी फुल फॉर्म क्या है तो उसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी डी पी आई फुल फॉर्म क्या है डॉट्स पर इंच डिजिट्स पर यूनिट डॉट्स पिक्सल इंच डायग्राम्स पर इंच ठीक है सो डी पी आई स्टैंड फॉर डॉट्स पर इंच यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ठीक है ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन देखते हैं सी डी रोम स्टैंड फॉर कंप्यूटर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑन रीड ओवर मेमोरी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी या कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी सो सी डी रॉम स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू रैम मीनस इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपको पता है उसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी सो ऑप्शन नंबर ए आप सबको पता हुई होगा वो इस का अंदर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वो आपको पता ही होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसी कहते हैं सीपी यू के एन एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो आई एस डी एन इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क ये भी आपको सबको पता होगा ठीक है ए उसके बाद है मॉनिटर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल ऑडियो एंड वीडियो फाइल फॉर्मेट वर्चुअल रियलिटी रे, रे, मल्टीमीडिया लैंग्वेज जै आप देखो ये एक ये आप सबको पता ही होगा ये क्या है गाइज यह वर्चुअल रियलिटी मल्टीमीडिया लैंग्वेज मॉनिटर ठीक है चलिए क्वेश्चन फोर्टी सिक्स देखते हैं वट इज एफ फाइल अकोमोडेशन टेबल फाइल एक्सेस टेबल फाइल एलोकेशन टेबल या फाइल एक्टिविटी टेबल तो एफ ए डी स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन चलिए बी ओ एफ स्टैंड फॉर बिगनिंग ऑफ बिगनिंग ऑफ फाइल नन ऑफ फाइल या नन ऑफ बी ओ एफ स्टैंड फॉर बिगनिंग ऑफ फाइल ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए ओ एम आर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मेमोरी रीडर ठीक है ओ एम आर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर सॉरी ऑप्टिकल मार्केट की आर फुल फॉर्म है एक्सपेंड द एक्रोनमी ऑफ सी एल कॉन्टेंटस एडिड लर्निंग कंप्यूटर एडिड लैंग्वेज कंप्यूटर एडिड लर्निंग या कॉन्टेंट्स एडिड लेवल तो सी एल स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडिड लर्निंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन ठीक है एल जो है उसकी फुल फार्म हमें बतानी है तो एल की जो फुल फॉर्म है वो है लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन आई होप आपको ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था आई होप आपको सारे जो है ये एब्रीफन समझ आए होंगे और आपको इनको याद करना है और फिर रिविजन भी करना है इनकी जो पी है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दोनों की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पी को भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना चैनल पर पहली बार विजिट करे चैनल को सब्सक्राइब कर देना हम मिलते अगली वीडियो में अगले, अगले अपडेट में तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू एंड टेक केयर